चीज़ का आइडिया रहते हैं रहते वो किस कंडीशन में रहते हैं, अगर मुस्लिम्स की अगर बात करें किस कंडीशन में रहते हैं वो? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे, उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके US के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी इंडिया में है, ठीक है। अब देखें इंडिया के अंदर क्यों है, सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल, जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस तक काम होगा, आपकी प्रायोरिटीज होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक दो टेन्योर, ठीक है। यानी चले क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हट के होने वाली है। हम अक्सर डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, कभी किसी इंडिया में जी ये अचीवमेंट हुई, ये डेवलपमेंट हुई, लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया कैसे ग्रो कर गया। आज हम ये बात करेंगे टू नेशंस टू प्रायोरिटीज़ कि जैसे पहले टू नेशन टू थ्योरी थी, अब दो नेशंस और दो प्रायोरिटीज़ हैं। इंडिया जैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, ये कब से ऐसा स्टार्ट हुआ? मेरे साथ जो मौजूद हैं CSS एस्पिरेंट हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ डिस्कशन रही, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैंड डोगर एडवोकेट। एडवोकेट सकलैंड डोगर। CSS की तैयारी भी आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आपने सुना ही होगा, मुझे ये बताएं टू नेशंस टू प्रायोरिटीज इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, हर चीज़ सेम थी, रेलवे सिस्टम सेम था इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई, इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आर्मी भी एक ही थी जो कि डिवाइड की गई, जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का स्टेट का सिस्टम एक जैसा था। आज वो अपने सिस्टम को कहाँ पे ले गए, हम अपने सिस्टम को किस जगह पर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सुबान भाई आपका और स्पेशली आदिल भाई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका मशहूर हूँ कि आप भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिन्हों जो आवाम के मसाइल को समझते हैं, और हमारा और आपका तो काम है मसाइल को हाईलाइट करना या उनके लिए सजेशंस देना कि हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, हमारा ये काम है। तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपका बहुत अच्छा ये टॉपिक है। देखिए सबसे पहले टू नेशन टू प्रायोरिटीज़, अब सबसे पहले कोई भी कंट्री उस वक्त तक अपनी इकोनॉमी को या किसी भी हवाले से डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। सियासी इस्तकाम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, लेकिन ये तो बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ असल इशू क्या है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ क्यों नहीं पाई? ये तो सबको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री बेहतरी की तरफ जाएगा। 1947 से लेके अब तक 75 साल 76 साल में क्यों नहीं आ पाई? कौन सा अदारा इन्वॉल्व रहा या कौन सी पावर्स, क्या मौलवी हजरत इन्वॉल्व रहे, क्या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही, मेजर और कोर इशू क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें यह चीज़ होती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल उन्होंने प्ले किया है इस चीज़ को तबाह करने में, जो हमारी प्रायोरिटीज, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का नो डाउट इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। अब देखें मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 64 17 ईयर्स लॉन्गेस्ट टेन्योर है। अब देखें हमारे यहाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं टू नेशन टू प्रायोरिटीज, उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स 17 साल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चल रहा, एक बंदे को आप 17 साल देंगे तो 17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस, आप जैसे आप बात करें ना उनकी प्रायोरिटीज़ ऊपर जाने की, उसके उनके बाद अगर जवाहरलाल साहब की बात करें उनके बाद अभी जैसे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी 10 से 14 साल जी, जी, के करीब मैं, 10 ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे, उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके US के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी इंडिया में है, ठीक है। अब देखें इंडिया के अंदर क्यों है, सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल, जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस तक काम होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक दो टेन्योर, ठीक है। यानी चले क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती,
उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, उनको टाइम मिलता है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज के लिए। आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, नो डाउट के जब तक भी किसी गवर्नमेंट को टाइम नहीं दिया जाएगा प्रॉपर उसे वर्क करने के लिए, अपनी पॉलिसीज पे इंप्लीमेंट करने के लिए, तो कैसे कोई गवर्नमेंट काम कर पाएगी। अच्छा, हिस्ट्री भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि सीएसएस में हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट होता है। ये बताएं, पाकिस्तान बना 1947 में, इंडिया भी 1947 में, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहां पे गवर्नर जनरल बन गया, वो थोड़ा इसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है? जी, मैं आपको बताता हूँ, उधर भी गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके बाद राजगोपाल आचार्य आए थे, ठीक है। लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि हमारे यहाँ उनमें प्रॉब्लम क्या है। अब उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर चल रहा है, हमारे यहाँ पहले 8 सालों में 1958 तक 9 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर, 7वें मलिक फिरोज खान नून थे। जब आप एक बंदे को खिलौना समझ रहे हैं, 6 माह आता है, साल आता है, 1.5 साल चला जाता है, देखें बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएंगे। कोई बंदा तीन मंथ एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियन ये भी कह चुके हैं कि उतनी तेजी से हम अपने कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से आप अपने प्राइम मिनिस्टर बदलते। जी देखिए, यही तो सबसे बड़ी रीजन है ना कि प्रायोरिटीज का फर्क फिर कैसे आएगा। कि आप देखिए, जो कोई बंदा बाहर का है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज है, रशियन है, अमेरिकन है, या कोई भी है, वो पाकिस्तान में आकर एक अच्छी हौजरी लगाना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जब वो ये देखता है कि यार इधर तो हालात ही ऐसे हैं कि सिंपल ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल इधर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सब कुछ उनके, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, जो जो जहां से जो जो काम चल रहा होता है, जो इतने इतने बड़े मंसूबे चल रहे होते हैं अरबों रुपए के, फॉरेन इन्वेस्टर भी जो उनसे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने आना है, अभी इनकी गवर्नमेंट है, डील इनके साथ करेंगे, हम जब आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान हो, शायद इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से छोड़ती जा रही हैं, और वहां पे कभी एप्पल आ रहा है, कभी वहां पे मर्सिडीज बन रही हैं, कभी वहां पे कोई चीज, मतलब इन्वेस्टर बहुत तेजी से इंडिया में जा रहे हैं। अब देखिए, उसके अंदर सबसे पहली बात, अभी आप खुद बता रहे थे मोदी साहब, उनका सेकंड टेन्योर चल रहा है, नो डाउट हमारे उनके साथ इख्तलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इख्तलाफ भी मुआशरे के हुसन है, अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं रात को एक चीज पढ़ रहा था कि वो जो आप बात कर रहे हैं मर्सिडीज, उन्होंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बनाई है, वो तकरीबन कुछ 750 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज एक दफा आप उसको कर दें ना, तो वो हो सकती है। आप देखिए, जब आप इस तरह की चीजें लेकर आएंगे, इससे सबसे बड़ा क्या होगा, आपका जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप पूरी दुनिया के अंदर, आप डेफिनेटली एक मुल्क अच्छी गाड़ियां बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम जाएगा। आज हम देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, कभी मेड इन पाकिस्तान भी देखा क्यों नहीं देखा, उसकी क्या रीजन है? कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़े यही मिसाइल है कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, ठीक अच्छा है? आपने ये जो बात की है, अभी उन्होंने मर्सिडीज, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो है वो लॉन्च की है, हमारे सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये बात बहुत वायरल है। इसके अलावा मीका सिंह, उनके जो एक सिंगर थे, उन्होंने वहां पे जाके अपनी इंडियन करेंसी में शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के दोहा में जाके शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये अचीवमेंट्स वायरल हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले जो एप्पल का स्टोर आया वो भी वायरल हुआ, उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया वो भी, इनसे हम सीखते क्यों नहीं? असल इशू ये है, हम मतलब ये कह देते हैं जी उन्होंने ये कर दिया, हम सिर्फ अभी यहाँ तक खड़े हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने ये कर दिया तो हम भी कर सकते हैं? हमारे पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं बताते, बस दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ पोस्ट लगा देते हैं कि भाई इंडिया इधर चला गया, आप अभी वहां पे खड़े हो। हम ये क्यों नहीं कहते, कोई रोड मैप क्यों नहीं देते, कोई पॉलिसी क्यों नहीं देते? देखिए शुएब भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं सिंपल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप, यही वो बात है कि जिसके लिए आज सारी आवाम परेशान है, पर रीज़न क्या है कि प्रायोरिटीज का फर्क होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रायोरिटीज बहुत मैटर करती हैं कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एक न्यू, चाहे वो एसी लेवल से है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि वो अपनी पोलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पाकिस्तान को या अपनी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मैं नेल्सन मंडेला की कोटेशन आपको सुनाऊंगा, मैं कभी कभी अकेला ना उसको बहुत सुनता भी और अक्सर मुझे रोना भी आ जाता है। अच्छा। नेल्सन मंडेला कहता है कि पॉलिटिशियन और लीडर में फर्क क्या होता है, वो कहता है जो पॉलिटिशियन है जैसे हमारे यहाँ वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं, जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। देखें लीडर, अच्छा आप ये बताएं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं या लीडर ज्यादा हैं, बल्कि लीडर है भी या कोई या नहीं? नहीं, मैं अगर न्यूट्रली ईमानदारी से बताऊं तो कोई लीडर नहीं है। इमरान खान साहब को बहुत लोग कहते हैं, मैं उनको लीडर, देखिए इख्तलाफ रहेगा क्या, मुझे इमरान खान साहब की जात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एज ए लीडर अगर वो होते तो आज देखें आज क्या चल रहा है इंडिया में। लीडर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, नो डाउट पॉलिटिशियंस भी होंगे लेकिन लीडर्स हैं वहां पे। जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों है? देखें जिस कंट्री में भी पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब इधर हमारे यहाँ क्यों नहीं लीडर है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका? तो अब देखिए इसके अंदर क्या फॉल्ट है ना,
अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मसला है तो मसला पॉलिटिशियंस में भी है। वो कहते हैं क्लैपिंग दोनों हाथों से होती है, प्रॉब्लम तो है ना किसी जगह पर। भाई हमारी ज़्यादातर ऑडियंस मोस्टली ऑडियंस इंडिया की है, जब हम ये इश्यूज़ डिस्कस करते हैं ना वो कहते हैं कि सोएब भाई आप इन इश्यूज़ को डिस्कस ना करो, सबसे पहले जाके अपनी मिलिट्री अपनी इस्टेब्लिशमेंट या इनके इनको बेहतर करो। मुझे ये बताएं कि क्या मिलिट्री का ही सिर्फ कसूर है, इस्टेब्लिशमेंट का ही सिर्फ कसूर है, मेरा और आपका, पॉलिटिशियंस का, ये जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं इनका कोई कसूर नहीं? नहीं देखिए इसमें सब इन्वॉल्व है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, लेकिन मेरा भी है और आपका कसूर कसूर हमारा भी है। लेकिन देखिए आप और मैं क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इशू है हम उसका बता सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। आपका क्या जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है मसाइल को हाईलाइट करना, लोगों के मसाइल सुनना, हुक्मरानों तक पहुँचाना। आगे जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी अदारा, प्रायोरिटीज़ उनकी मैटर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको इनकलाब लाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए जितने डिपार्टमेंट हैं उनको सेपरेट ऑटोनमस बना दिया जाए, उनके पास इख्तियारात हों। अब इधर हमारी FIA है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखें PTA की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। आप नून लिख किया ये वो इस्तेमाल, यार ये क्या, ये हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं। ना आपने बोला इनकलाब आ सकता है, नो डाउट किसी भी माशरे में किसी भी सोसाइटी में इनकलाब आ सकता है, किसी भी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इशू ये है, जो भी कुछ बेहतर बात करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम ले आते हैं कि इसराइल का एजेंट होगा ये, दूसरी चीज़ हम ले आते हैं मजहब कार्ड को, तीसरी चीज़ हम ये ले आते हैं कि भाई ये किसी के कहने पे या इंडिया के कहने पे ये इस तरह काम कर रहा है, मतलब। और फिर पब्लिक भी उसकी उन लोगों की बात में आ जाती है। क्या ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ये मजहब कार्ड खेलना हम बंद कर सकते हैं, हम ये एजेंट एजेंट रॉ का एजेंट कभी कहते हैं, कभी इसराइल का एजेंट कहते हैं, ये चीज़ें हम बंद कर सकते हैं या नहीं, ये चलती रहे? देखिए ये बंद बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए आप काम करके दिखाएं, जब आप काम करके दिखाएंगे अवाम को पता चलेगा। ऐसे तो कोई भी बंदा आप पर क्रिटिसाइज कर सकता है कि फलाना रॉ का एजेंट है। देखिए आप काम बोलता है, आप कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ही कहता हूं कि मैं अगर इधर आया तो मैं ये जो मैं अपने बताता हूं अपने अचीवमेंट्स, मैं वो अचीव करके बताऊं ना, मैं काम करके। हर बंदे का मुंह बंद हो सकता है, बातों से नहीं हो सकता। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूं। जब हमने स्टार्ट किया था काम ये अवेयरनेस को लेकर या इन इश्यूज के ऊपर बात करना, तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया, लेकिन अब बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाए, सिर्फ बातें ना की जाएँ। मुझे बताएं मेरे में आप में, यानी पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के सिटीजन हों उनमें और इंडिया की यूथ में कोई फ़र्क है? अगर है तो क्या फ़र्क है? देखिए जो भी होती है ना चीज़ें, बात फिर वही आती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं या लीडर होते हैं ना, नेशन को चेंज उन्होंने करना होता है, ट्रेंड एक उन्होंने देना होता है। लेकिन यूथ का भी बड़ा रोल होता है। नो डाउट यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कोई ना कोई लीड तो उनको करेगा ना। अब मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि हमने नेशन के साथ चलना है या हमारी नेबर कंट्रीज चाइना, चाइना के अंदर इनकलाब लाने वाला मोज़े तंग था, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करके लोकल सतह पर लोगों को प्रमोट करके यकीन करें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को अगर तीन पाकिस्तान में लाए ना तो वो एक बनता है 70 करोड़ लोगों को निकाला, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं खुलेआम कहता हूँ चाइना की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, चाइना जिस पोजीशन पे था 1948 की अगर बात करें, 50s की बात करें और आज बात करें, दुनिया की सुपर पावर्स का मुकाबला कर रहा है और बनने जा रहा है, दावा करता है। लेकिन एक इशू मुझे बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं कि नहीं, आपको इस चीज़ का आइडिया? रहते हैं, रहते हैं। वो किस कंडीशन में रहते हैं, अगर मुस्लिम्स की अगर बात करें किस कंडीशन में रहते हैं? वो देखें जो भी होता है ना साहिब इख्तियार या मेजोरिटी में, तो फिर माइनॉरिटीज़ को कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मान लेता हूँ करना पड़ता है। फिर पाकिस्तान बार बार बर्मा की, फलस्तीन की, इवन इंडिया की बात करता है, जिधर तकरीबन 24 से 30 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे तो बेचारे थोड़े से चाइना में मुसलमान रहते हैं, इनकी क्यों नहीं हम बात करते? फिर यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना कि हम अपनी मर्जी से मजहब कार्ड खेलते हैं, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे मजहब कार्ड, जहाँ पे दिल नहीं करता वहाँ पे हम चुप कर जाते हैं, इसका ये मतलब हुआ? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए इसमें पता चीज़ें क्या होती हैं कि जो भी हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनको ये देखना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, सबके साथ बराबरी इक्वालिटी। अब आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? देखिए आप, अगर मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक एशिया के अंदर दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने नेमत दी है, आप एशिया का एक अच्छा ब्लॉक बनाए, डॉलर की ट्रेड से नीचे आए। इवन आपने ये बोला ब्लॉक बनाए, डॉलर की ट्रेड से नीचे आए, इंडिया ने 18 कंट्रीज को लॉ किया, 18 कंट्रीज को, कि आप इंडियन करेंसी में वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ, जब हमारे अंदर सबसे पहली बात
जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हमें ये देखना चाहिए हमारे फायदे किधर। अब देखिए वहाँ इधर बेचारी भूखी मर रही है पाकिस्तान के अंदर। यकीन करें मैं रात को पढ़ रहा था इन्फ्लेशन नियर टू 40% पे चला गया मैं, लेकिन 43 की फिगर्स रखे पहले 43 था लेकिन वो ऊपर नीचे चलता, यानी तकरीबन 30 से 50 के दरमियान है, ऐसे ही है। तो इंडिया के क्या रेशो, देखिए इंडिया के अंदर आज भी वो डॉलर 100 से नीचे है, 80 to 85 जी। तो देखिए ये कितना डिफरेंस है, हमारे यहाँ 300 का है, तो फर्क तो डेफिनेटली आएगा ना। तो यही सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। अच्छा, बड़ी एक जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, फिर यहाँ पे बात को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया सबको पता है, हम ना भी तारीफ करें उन्हें हमारी, इससे मैं ये बार बार कहता हूँ उन्हें हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो ग्रो कर रहा है ऐसे में हमें उनके साथ अटैच होना चाहिए, मिल के आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें भी थोड़ा फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा हमें होगा, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए आप, सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके लिए सिर्फ एक मिनट में आपका लूंगा। होना क्या चाहिए पाकिस्तान के अंदर, अगर हम उनको लीड करना चाहते हैं, अगर हम उनको फॉलो करना, फॉलो ना भी करेगा उनसे कुछ चीजें सीख ले, अगर हम उनसे सीख ले फॉलो का कुछ बात, कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है इंडिया को फॉलो करना। हाँ देखिए, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अब भी हमारे पास टाइम है, हमारे जितने पॉलिटिशियन जातियात से बाहर निकले, अपनी अना से बाहर निकले, एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे और मुल्को कौम के लिए आए, यार हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे ऊपर लेकर जाना है। आज अगर इंडिया ऊपर चला गया तो हम क्यों नहीं जा सके, चाइना चला गया ठीक है, जापान चला गया, दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्री चले गए 75 साल, हम क्यों नहीं जा सके, उसकी यही बांग्लादेश हमारे से बांग्लादेश काफी नहीं बहुत ज्यादा बांग्लादेश के यहाँ भी डॉलर 100 से नीचे है, 1992 का है, हमारे यहाँ 300 का है। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है ना, कि अभी भी इनको अपनी प्रायोरिटीज को छोड़कर मुल्कों कौम के लिए जात याद से निकल कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस तभी सुधरेंगे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, जब तक ये पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, ये लोगों को नहीं पता चलेगा कि असल इश्यूज क्या है और हमें किस साइड पे लड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, कभी कश्मीर पे चूरन बेचा जाता है, कभी मजहब पे चूरन बेचा जाता है, असल इशू डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात नहीं करता, इकोनॉमी के ऊपर कोई बात नहीं करता, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि अब दुनिया चल रही है टेक्नोलॉजी, आपने ये मोबाइल पकड़ा, आपके कनेक्ट जितने भी कनेक्शन है इसके थ्रू है, मैंने ये माइक पकड़ा, मेरा अगर काम है इसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन है, ऑरेंज लाइन है, जो भी चीजें हैं सब टेक्नोलॉजी के थ्रू है, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? देखिए ये भी हमारा एक हकीकत में मसला है, मैं ये चाहता हूँ, देखिए कोई किसी का भी सपोर्टर हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, तहरीक इंसाफ का है, हमारा हर एक का फर्ज बनता है इखलाकी भी, हर एक पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। कैसे? जो कोई भी अच्छा काम करता है, वो मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो हमारा हमसाया है, वो कोई भी, उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपका लीडर है, वो कोई भी लीडर है, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, आपका काम है, अगर वो गलत काम करता है आप उसको डिफेंड ना करें, कौमें तबाह इस वजह से हो जाती है, उसको डिफेंड ना करें। अगर इमरान खान गलत काम करता है तो सारी नौजवान नस्ल का ये फर्ज है, उनको क्रिटिसाइज करें, नहीं खान साहब यू आर रॉन्ग। अगर वो अच्छा काम करते हैं, आप देखें उन्होंने एक हेल्थ कार्ड इशू किया, मैंने खुद उनको अप्रिशिएट किया कि अच्छा काम है, इससे बहुत सारे गरीब लोगों को रिलीफ मिला। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, बिल्कुल पॉलिटिशियंस का भी बहुत कसूर है, उसकी वजह यह, देखें अभी आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, अथेंटिक बात कर रहे हैं, हम अकेले यहाँ पे खड़े थे, ये कितने लोग आपको सुनने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें आपकी बात में इंटरेस्ट है, उन्हें पता चल रहा है कि यार ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, देखें ये कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। यही अगर हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा करें तो क्या तेजी से चेंज आए या ना? देखिए यही तो बात है, अगर ये सब इकट्ठे हो जाए मुल्को कौम के लिए, अपने लिए नहीं, मुल्को कौम के लिए, तो हकीकतें चेंज आ सकते हैं, नो इशू। अब यही तो बात है ना, हमारे यहाँ यही तो मसला है कि ये लोग सिर्फ ये देख रहे हैं। अब देखें पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो हमारे इलेक्शन होने चाहिए। अब ये लोग क्या देखते हैं, पता नहीं हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, क्या प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटीज नहीं है, हमें हमारे असल इश्यूज का नहीं पता। भी पूछ लेते हैं भाई इस टाइम एक मिनट का सिर्फ सर्वे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है इस टाइम आपके ख्याल में? यही मुल्क के हालात के पेशेंट, मतलब भाई जान एक एक लाइन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या, बस आप जो भी आपके ख्याल में है मसला क्या है सबसे बड़ा? यही है कि कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, आपके मुल्क के हालात ही नहीं ठीक, मुल्क के हालात नहीं ठीक। देखिए मोस्टली यही कहा जा रहा है कि भाई मुल्क के हालात नहीं ठीक, कारोबार तबाह, जबकि असल इशू मेरे ख्याल में ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, सबसे पहले अपनी हिस्ट्री को बेहतर करना है, जो सच है उसे सामने लाना है, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर काम करना है। मेरे ख्याल से जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, और हमें जब तक लड़ा दिया जाएगा कभी मजहब के नाम पर, कभी कश्मीर के नाम पर, कभी शिया सुन्नी के नाम पर, तब तक हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। बट ये हम ऐसा ही है, जिस तरह फिर का बरादरी में इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी नॉन मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया, कभी पार्टी के नाम पे लड़ा दिया, कभी कोई नून लीग का, पीपल पार्टी का, पीटीआई का, आपस में हमें लड़ा दिया, लेकिन हमारा फायदा कोई नहीं, यही चीज है, मुफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहा। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, जितना हम कर सकते हैं लोगों को अवेयर करें, और पार्टी से भी रिक्वेस्ट है
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीज़ों के ऊपर काम करें। यहाँ पर हम भाईजान अभी वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ये समझता हूँ और नहीं तो कम अज़ कम यहाँ पे खड़े 20-30 लोगों को तो हमने थोड़ी बहुत समझा दिया, थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे दी। एंड करते हैं, मुझे ये बताएं बेहतरी आ सकती है कि हम ये बस ऐसे ही कैमरा मोबाइल उठाएंगे और ये माइक उठाएंगे और बोलेंगे घर चले जाएंगे, बेहतरी इस काम से या ओवरऑल ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने से बेहतरी आ सकती है? नहीं नहीं बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। इंसान को अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी मेहनत करनी चाहिए। देखिए जब भी आप किस्मत लक आपका साथ देती है आफ्टर हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत के बाद, इंसान का काम है मेहनत करना, ठीक है। जब हम मेहनत करेंगे हम सब मुल्कों को अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए, हमारे पॉलिटिशियन एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जब मुल्कों कौम के लिए काम करेंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ मुल्कों कौम, अपनी जायदादें बनाना नहीं होगा, अपनी करप्शन नहीं होगा, अपने लोगों को नवाजना नहीं होगा, मस्जिद के साथ चाहे मेरी बात पकड़ ली हो। ये जो नफरतें हैं ये बांटना नहीं कम करेंगे कि कभी इंडिया के नाम पर नफरत, अभी देखें वो ग्रो कर रहा है, हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर हम नाम लेते भी शायद थोड़ा हेजिटेट फील करते होंगे कि यार वो कोई क्या कहेगा कि इंडिया का नाम ले रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? जी जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें हमें सीखना चाहिए, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे देखिए आज इसराइल है ना, वो चाइना हो, देखिए आज इसराइल भी है, उनकी आबादी 60 लाख है, सिर्फ 60 लाख, और जो वो कंट्री है ना उसके चारों तरफ सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखें ना सारे चारों तरफ। लेकिन क्या बात है उनके, हाँ क्या चीज़ है उनके अंदर, देखें अपनी मुल्कों कौम के लिए वो नो डाउट हम उनको हमारे मुखालिफ है, जो भी वो इख्तलाफात एक सेपरेट है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ देखें ना सिर्फ 60 लाख है, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? उनके टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहे हैं, ठीक है, उनके रिसर्च में आगे जा रहे हैं, जो उसके बाद टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आज उसको जनाब आ गया, आज उसको आ गया, इसको पीछे कर दे, नहीं।